वो धरती सर उठाती है, वो माएं फख्र करती हैं। मेरी मेहमान गिरामी और तमाम तलबा साजा से दरख्वास्त है कि वो नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएं। इसलिए चारों तरफ और बीच में हम हैं मिसाले गोहरे नायाब, हम पत्थर में रहते हैं। इज्जत माप जनाब मेहमानान गिरामी, अजीज़ तुलबा और जुमला शुरगाए जलसा, अस्सलाम वालेकुम। आज की यह पुरवकार और पुर रौनक तकरीब जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान और सकाफती विरसे से मालामाल, हुब्बुल वतनी से मालामाल लोगों की सरजमीन पाकिस्तान वतन अजीज की सकाफती प्रोग्राम के हवाले से रखी गई हैं। मैं आप लोगों के दरमियान ज़्यादा हाइल रहना नहीं चाहता। मैं मुख्तसरन दो तीन जुमले आप लोगों के गोशगुसार करके अपनी तकरीर का अख्तिताम करूँगा। मैं सबसे पहले असातिज़ा इकराम और यहाँ के मैनेजमेंट का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोगों ने इतने बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया और तमाम तलबा को मौका दिया कि वो अपने परफॉर्मेंसेस यहाँ पर दिखा सकें। इसके बाद मैं खुसूसी शुक्रगुजार हूँ यहाँ के मेहमानों का, जो कुछ मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और कुछ मेहमान रस्ते में हैं, इंशाल्लाह कुछ देर में वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे, कि आप लोग अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। चूँकि आज की ये तकरीब का एक हिस्सा जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हैं, तो मैं मुख्तसरन कुछ जुमले गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी कहना चाहूँगा। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में 1 नवंबर को योम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। इसकी मुख्तसर तारीख़ कुछ इस तरह से हैं कि 1842 में डोगरा हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर, जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर है, और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इंडिया के कब्ज़े में हैं, वहाँ के जो डोगरा राजा हैं जो गैर मुस्लिम थे, उनके साथ मिलकर पूरे इलाके गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख कश्मीर और जम्मू पर कब्ज़ा कर दिया। चूँकि 14 अगस्त 1947 को गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, वहाँ के गयूर और मुहिब वतन लोगों ने ये सोचा कि जमहूरी इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में 100% लोग मुस्लिम आबाद थे, वहाँ के लोगों ने सोचा कि हम भी आज़ादी हासिल करें और पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो। वहाँ के गयूर आवाम ने डंडों और कुल्हाड़ियों की मदद से डोगरा राज से आज़ादी हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर एक आज़ादी की लहर और बगावत का ऐलान कर दिया और 1 नवंबर 1947 को सरजमीन गिलगित आज़ाद हो गई। उसके बाद यह आज़ादी का सिलसिला न रुक सका, यह कदम पर कदम आगे बढ़ता चला गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होने के पूरे एक साल बाद खित्ते बल्तिस्तान भी आज़ाद हुआ और बिला किसी ताखीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक होने का ऐलान किया। मोहतरम हाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के मुहिब वतन लोगों ने अपनी मदद आपके साथ गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को आज़ाद करने के बाद पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए कोई शर्त नहीं रखी, बस सिर्फ एक शर्त के साथ कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, हम भी मुसलमान हैं। इसी जज्बे के साथ पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ। मैं मुख्तसरन यही कहना चाहूँगा कि 1990 तक पाकिस्तान के हुक्मरानों ने गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर FCR नाफिस रखा। मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब आसिफ अली जरदारी को कि उन्होंने 2009 में एक इख्तियार गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को दिया कि वो एक अपना आज़ाद बावकार और अपना एक कुव्वत से भरपूर एक इस्म मिली चुनने का इख्तियार दिया
और अगस्त 2009 में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाब हो गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार सैयद मेहंदी शाह गिलगित बल्तिस्तान के पहले वजीर आला मुंतखब हो गए। जनाब सदर और आज देखा सर, ये जो सामने वाला जो आपका जीएम है, ये जब भी मौका मिलता है नेक यूज करता है, सबको बुलाया, बुलाने के बाद कहा आप ओनर ने आप ये काम करते हैं, आप ये काम करते हैं, आप ये काम करते हैं, तो सारे आपस में गैदरिंग कर रहे थे, बुलाया कि रोशन आपको पता है, तवज्जो चाहूंगा मैं यहाँ पे, रोशन आपको पता है आपके अंदर क्या टैलेंट है, उसने कहा मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, सर मेरे पास टैलेंट होता तो मैं डिग्री लेके यहाँ आपके सामने कॉफी पिलाने पर नहीं आता मैं, इलोशन आपके अंदर हिपोक्रेसी का टैलेंट है, मुनाफिकत का टैलेंट है आपके अंदर, आप दुनिया के बहुत बड़े मुनाफिक बन सकते हो, आपके अंदर मुनाफिकत का टैलेंट है, आप इसके ऊपर काम करो। उसने कहा मेरे लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर एक जगह है, कहा लॉस एंजलिस के अंदर मेरे दाने बड़े बैंक से डी ई बैंक, कहा मेरी इन बैंक पे आप काम करो, बतौर मैं आपके अकाउंट खोलता हूँ, आपने जो क्यूट जरिए देखना है, उसने मुख्तसर में बता रहा हूँ, तो वहां पर उसने अकाउंट खोला उनके, खोलने के बाद वो जाकर इंस्टीट्यूट देखता रहा, वो बैंक बहुत बड़ा आगे गया, जाने के बाद उसके ऊपर किताब लिखा उस बैंक के ऑनर ने, द इलोशन हिस्ट्री किताब लिखा। किताब लिखने के बाद ये किताब डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तो उसने किताब निकाल के देखा क्या इसके ऊपर किताब लिखा है, पढ़ने के बाद वो सोच रहे थे यार इस बंदे की क्या हिस्ट्री है, तो एक फिल्म बनी द इल्यूजन फिल्म बनी, उस फिल्म के ऊपर बगैर इसको इल्यूजन ऑफर किया गया कि आप मुनाफिक का रोल अदा करें, ऐसा मुनाफिक का रोल अदा किया, ये फिल्म कभी सर्च करके यूट्यूब में देखें, इतना बड़ा किरदार अदा किया, बहुत पॉपुलर है वो फिल्म, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बुलाया, बुलाने के बाद उसको अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके अंदर उसको लॉस एंजलिस की जिम्मेदारी दे दिया कि आप इसका जिम्मेदार बने। इस स्टोरी का मकसद ये है कि जो शख्स कॉफी पिलाने वाला शख्स जिसको अपना टैलेंट पता नहीं था, वो शख्स जो है कॉफी पिलाने वाला आज एफबीआई के अंदर, हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है, सबसे बड़ा मसला तो जो चाहूंगा मैं कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा टैलेंट क्या है, टैलेंट हमारे अंदर क्या है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, ये कैसे पता चलेगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, ये कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। कुदरत ने हर शख्स को एक टैलेंट देके दुनिया के अंदर भेजा है, हर शख्स को, ये शुएब मलिक का लेके झूठ दे रहा था ये क्रिकेट में 50 बनाने के बाद, क्या मैं जब अपने अब्बू के साथ साइकिल पे जाता था तो लोग मुझे कहते थे दो पागल जा रहे हैं अकेडमी में क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं उनको यही बोलता था एक दिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट में जाऊंगा और कैप्टन बन के आऊंगा, मैं उन दोस्तों को ये कहता। जिस शख्स के अंदर जिस चीज का शौक है वो उसका टैलेंट है, जिसके अंदर एक बच्चा रात को 12 बजे जो है वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है, उसकी माँ उससे आगे कहती है बस करो बेटा कितना पढ़ रहे हो, ये उसका टैलेंट है, उसके उस पर काम करना चाहिए। जो शख्स जिस चीज का शौकीन हो उसके ऊपर जो है ना काम करना चाहिए, उसका टैलेंट है। हमारा अलमिया ये है कि हम जो है ना वो माँ बाप के कहने पर जो है वो अपना शुगर को अख्तियार करते हैं, जबकि अपनी हम वो स्टडी नहीं सोचते कि मेरे अंदर क्या शौक है। जो चीज जिस चीज के अंदर आपके शौक है उस चीज के ऊपर आप काम करो, ये इससे आपकी कामयाबी मिलेगी। तीसरा चीज ये है कि हमारे अंदर स्टूडेंट्स के अंदर जो हमारी नई नस्ल है, ये सोशल मीडिया का दौर है, तीन चीजों की बड़ी कमी है हमारे अंदर, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मैं इस चीज की इजाजत भी चाहूंगा, ज्यादा बातें करना दानिशमंदी नहीं है, तो मेरा मौजूद तो कुछ और था यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर बात करूँ, लेकिन जो है दीगर स्टूडेंट्स भी बैठे हुए यहाँ पे, पीएसएफ का ये प्लेटफॉर्म है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री भी एकदम निचोड़ी है। तो तीन चीज़ें जो है वो हमें सीखने की ज़रूरत है, जो आजकल के दौर में हमें हम इस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे नौजवानों के अंदर बर्दाश्त की कमी है, बर्दाश्त को सीखें, बतवासु बिल हकी बतवासु बिस्सबर, ये कुरान के अंदर है। अगर आपके अंदर सबर है तो आप जो है बेहतरीन इंसान भी है, बेहतरीन मुसलमान भी है।
और बेहतरीन गिलगित बल्तिस्तान भी है और बेहतरीन पाकिस्तान भी है आपके अंदर, सबर है तो ये सबर आप अपने अंदर सीखो। आप बाहर चले जाएं, सुस्ती लक्ष्य वाला और मोटर वाला आपस में टकराते हैं या दूसरों को हक और बातिल समझते हैं, यह बिल्कुल सही लफ्ज हमारे माशरे से खत्म हुआ। दूसरा लफ्ज, दूसरा जिस चीज के अंदर हमारे अंदर कमी है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टाउन के आपका अपने अंदर टाउन का रुझान पैदा करो, कॉपरेशन को पैदा करो। ये हमारे नाजुनों के अंदर खत्म हो चुका है टाउन करना। टाउन अगर आप लोग दूसरों के साथ टाउन करेंगे तो दुनिया के अंदर तरक्की मुमकिन है। ये यूरोप की तरक्की का राज टाउन है, कॉपरेशन से। आप पूरी यूरोप की हिस्ट्री निकाल के देखें, इसके पीछे मुरकार टाउन है, बर्दाश्त और टाउन। ये कुरान के अंदर भी है, बेहतरीन इंसान उसको करा दिया जिसके अंदर सब्र हो और बर्दाश्त हो। तो ये इन चीज़ों से मैं इजाज़त चाहूँगा। अहमद नदीम कासमी जो है एक शायर गुजरे हैं, अलामा इकबाल के बाद दूसरे बड़े शायर तसव्वुर किया जाता है। तो जो है वो एक मुशायरे में बैठे हुए थे, एक स्टूडेंट नीचे से उठ के खड़ा होकर क्वेश्चन करने लगा कि ये पाकिस्तान कैसे तरक्की याफ्ता बने। मतलब पाकिस्तान, अहमद नदीम कासमी मुशायरे में थे तो गालिबन लाहौर के अंदर, तो उसका एक बड़ा मशहूर शेर है, खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पे उतरे वो फसल गुल, खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे जवाब ना हो। थैंक यू वेरी मच। हम अपने देश जीवी के हंसी पे गर्व रहते हैं, हम अपने देश जीवी के हंसी पे गर्व रहते हैं, जरा महले वकू देखो जली के सर पे रहते हैं। हयादारी का देते हैं सबक को हो जबल मेरे, हयादारी का देते हैं सबक को हो जबल मेरे, कि सर कुहसार के भी बर्फ की चादर में रहते हैं। अजीज दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री पे सरसरी तबसरा हमारे दोस्तों ने किया। आज ये एक PSF के अंडर में मल्टी कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है। इसमें पाकिस्तान की तमाम शूबों की सकाफत की बाकायदा रिप्रेजेंटेशन होगी और मैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उसकी तारीखी हैसियत और उसके मुतवक्के मुस्तकबिल के हवाले से अपने ख्याल आप दोस्तों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। अजीज दोस्तों, आप सबको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटजिक अहमियत के बायस हर दौर में दुनिया की तमाम सुपर पावर्स की तवज्जो का हामिल एक खत्ता रहा है। इस पे वक्तन फोक्तन मुख्तलिफ कुव्वतों ने अपनी अजारदारी के क़ियाम के लिए अपनी काविशों को हर दौर में तेज करने की कोशिश की है। 1947 से कबल गिलगित बल्तिस्तान पे एक तवील अरसे तक डोगरा तसल्लुत कायम रहा, फिर 1947 से कुछ ही अरसे कबल बरतानिया ने इस इलाके को लीज पे डोगरा से वापस लेके, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम वहाँ पे मौजूद हैं। बहरहाल उस जमाने में गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ आज़ादी की तहरीकें उठी, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से बल्कि कश्मीर से। उस आज़ादी की तहरीक के नतीजे में जुज़वी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके वक्तन फोक्तन आज़ाद होते रहे। अब पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान का जो इलहाक हुआ था उसको हम इलहाक तो खैर नहीं कह सकते, एक एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि कन्फेडरेशन में ये होता है कि जो यूनिट्स होते हैं उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन बदकिस्मती से उस जमाने से लेकर आज तक गिलगित बल्तिस्तान को सिर्फ आर्डर्स के तहत ही चलाया गया, वरना तनाज़े कश्मीर की जो देगर इकाइयाँ थी यानी मुजफ्फराबाद और मकबूजा कश्मीर, वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी निज़ामों के तहत उनके इंतजामी उमूर को चलाए गए। मकबूजा कश्मीर को भारत ने अंदरूनी खुद मुख्तारी दी थी और उनका एक उबूरी आइन दिया था जो इमरान खान के दौर में उसको ख़त्म करके वहाँ पर उन्होंने अपना तसल्लुत जारी किया। फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने मुजफ्फराबाद को अपना सदर जिसका नाम है इश्क के रंग में रंग जाओ। तो आप रेडी हैं? सुनाओ आपको। तो हम शुरू करते हैं कि ये स्टार्ट इस तरह हो रही है
कि ये महाजर की है सब और ये पंजाबी की, पख्तून की, सिंध की, बलोची की, जुदा पढ़ के दिखाओ तो किसी शहर की मस्जिद में ऐसी नमाज। इश्क के रंग में रंग जाए, महाजर हो के पख्तून, बलोची हो के पंजाबी, के कश्मीरी हो के गुजराती, के बंगाली के जमन, के बंगाली के मेमन हो, के सिंधी हो, किसी खत्ते की कबीले की जुबान। अरे आप लोग जो हैं, अभी आप मेरी गजल सुने पहली बार, और दूसरी बात ये है कि अभी हम आपको बताएंगे कि सिंधी का जो कल्चर है, सिंधी अपना सिंधी अपनी सकाफत पेश करते हैं। आप जो हैं बलूची हैं तो आप अपना सकाफत पेश करती हैं, तो हम किसी है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, वो उनका कल्चर है। तो हमारा जो पाकिस्तान का जो वो है कि पाकिस्तान में हर कल्चर को अलग उसकी उसकी वो मिली हुई है, अलग उसके पास आज़ादी है कि वो जो चाहे फैल सकता है, उसका जो सकाफत है, उसका जो उसकी उस कल्चर की जो हिस्ट्री है, वो उस कल्चर की ही हिस्ट्री है, और वो उनको पसंद करते हैं वो लोग इस तरह के कपड़े पहनना। तो हम किसी एक कल्चर को किसी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जिस तरह आप करना चाह रहे हैं, तो आप मेरा ख्याल रखते हैं बात का अपनी बात। तो हम कुछ आगे पढ़ते हैं गज़ल, आगे स्टार्ट हो रही थी कि सिंधी हो कि किसी खत्ते की कबीले की जुबान, इससे नहीं कोई सरोकार, जामे इश्क मोहम्मद जो पहन लेता है, हर हार वो फूल बना देता है, दुनिया को झुका देता है, करता है जमाने को मोहब्बत का शिकार। तो ये गजल थी हमारी आज की, तो इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल बच्चों? सर ये पठान लोग कैसे बोलते हैं, क्या मतलब कैसे बोलते हैं? लड़की को लड़का बना देते हैं, लड़की को लड़का बना देते हैं। कोई आप कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, आप अपना कपड़ा देखा, आपने अपना कपड़ा कैसे पहन कर आया? हमारा तो कपड़ा अच्छा है, तुमको तो बोलने का ही पता नहीं है। क्या मतलब? अरे आप किसी एक जबान पे उनकी वो अपनी जबान है, बोलने की जो जबान है वो उर्दू में, अगर उस तरह अगर वो कह रही है अलग अलग तरीके से कह रही है, तो आप किसी एक जबान पर आप ये नहीं कह सकते कि वो उर्दू भी इतनी अच्छी बोले। जो महाजर है वो उनको साफ बोल सकता है, लेकिन जो पश्तो है, जो बलोची है, जो सिंधी है, वो इतनी साफ उर्दू नहीं बोल सकता। तो वो अपनी जबान में जो महारत रखते हैं, आप उन उस पर आप क्रिटिसाइज ना करें। पंजाबी कितने अजीब से कपड़े पहनते हैं, हम बोलते तो सही है ना, तो हम भी बोलते सही हैं। हाँ सही बोलते हो, लड़की को लड़का, लड़के को लड़की बना देते हो। अच्छा बस आपको भी गजल से कुछ रिलेटेड सवाल? रहमान रहीम, पीएसएफ कराची डिवीजन के सदर जनाब मौली रजा साहब, दीगर अहदेदार, स्पेशल असिस्टेंट म्यूजियम आसिफ खान साहब और सारे नौजवान पीएसएफ के इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मदनी रजा साहब को आपकी मर्जी के मुताबिक मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शो मुकर्र किया। कल्चर का शो जहां से सारे सूबों के टैबलोज पेश किए गए होंगे या करेंगे, मैं इसको समझता हूं जैसे हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को आज ओनरशिप दी है। भाईचारा बढ़ेगा जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है, मोहब्बतें बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ बर्दाश्त का मादा बढ़ेगा, बेहतर माहौल बनेगा, किताबें उठाएंगे,
पिस्तौल और कलाशनकोव को फेंक देंगे और पाकिस्तान के नाम को, सिंध के नाम को और ज्यादा नुमाया करके खराज तहसीन वसूल करेंगे। हमें सब पता है, आपको भी पता है, वो जमाने भूलेंगे नहीं कि जब वो इस शहर कराची के लिए दुनिया के मुमालिक अपने लोगों को रोकते थे कि कराची मत जाओ क्योंकि डेंजरस सिटी है। एयरपोर्ट पर बाकायदा अनाउंसमेंट होती थी कि हम एडवाइज नहीं करते कि आप पाकिस्तान कराची जाओ, उस रेड लिस्ट पे आ गया पाकिस्तान, उस रेड लिस्ट पे आ गया कराची। कराची का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर, यहां बंदरगाह और सबसे ज्यादा ये सिंध की दारुल हुकूमत, कैपिटल सिटी। उस कैपिटल सिटी पर हमें इस तरह, इस वजह से भी फख्र है, सिंध पर इस वजह से भी फख्र है कि ये सिंध सूबा था जिसने पहल की थी पाकिस्तान बनाने की, जिसको आज हम सूबाई असेंबली कहते हैं। इसी में हमने एक मामूली सा एक सोचा समझा रेजोल्यूशन पेश किया था कि मुस्लिम सूबों पर मुश्तमिल अलग मुल्क चाहिए, दूसरे सूबे बाद में शरीक हुए। ये सिंध को क्रेडिट जाता है कि हमारे बड़ों ने वो कोशिश की और एक आजाद मुल्क के शहरी हम बने। इसको सिंध को पाकिस्तान की मां का दर्जा भी देते हैं लोग। उस मां के दर्जे वाले सूबे में हम सब पर बहुत सी मुसीबतें पड़ी और सालों पड़ी, जैसे माहौल गंदा हुआ, मसाजिद से ऐलानात हुए जाओ कॉपी करो, गली कूचों में घूमना मुश्किल दुश्वार, ये सलवार कमीज वाले भी खौफ खाए, लेकिन बर्दाश्त का मादा था, जमा जिस्म, बड़ा दिल, सबर का हाथ इम्तिहान हाथों से नहीं जाने दिया और कुछ लोग अपने ही खाई में खुद गिर गए। लाशें बहुत उठाई हैं, इन कांधे थक गए, लेकिन हमने सबर का दामन नहीं छोड़ा और इस जमहूरी रास्ते पे चलते चलते वो दिन आए कि उनके अपनों ने अपनों को आग कर दिया। ये मुल्क है, जमहूरियत के लिए दाई हैं हम। ये और बात है कि हमारी बदकिस्मती है कि जमहूरियत के दाई होने के बावजूद हम जमहूर का ख्याल नहीं कर रहे। जमहूर का मतलब आवाम, उसका ख्याल नहीं रख रहे, क्योंकि आप हैं जवान हैं, नौजवानों के महफिल में मैंने भी जानबूझकर ये टोपी पहनी कि मेरे सर के बाल जो उड़ गए वो दिखाई न दे। लेकिन आप जवान हैं और जवानों में जज्बा होता है, लेकिन आपके घरों की जो हालत है उसका असर आप पे भी होता होगा, उसका असर आप पे भी होता होगा कि तुम्हारे इस मुल्क में जो बेहसी दिखाई दे रही है, ये महंगाई का तूफान जो बर्पा किया हुआ है, ये हर एक से
कितनी ढटाई से वजीर कह रहे हैं कि दो रोटियां छोड़ो एक रोटी खाओ, 10 लुक में खाते थे 5 लुक में खाओ, मदद नहीं करेंगे, ऊपर से फिर खून भी चूसते जाते हैं। पेट्रोल 110 रुपए का होना चाहिए, आज 100 या 150 रुपए की बातें कर रहे हैं, 44 रुपए पर लीटर ये हुकूमत कमा रही है लोगों से, कर्जा अलग से ले रहे हैं, कमा लोगों से रहे हैं, रोजाना बिजली बढ़ी है, रोजाना बाजार में जाओ तो आसमान से छू रही है बातें, तुम्हारे यकीनन पेन पेंसिल भी महंगे हुए होंगे, तुम्हारी किताबें भी महंगी हुई होंगी, फीसों का बार भी उठाना पड़ता होगा। ये तो शाबाश है कि सिंध हुकूमत ने इंटरमीडिएट तक तालीम को मुफ्त किया, हालांकि आईन में लिखा हुआ है मैट्रिक तक मुफ्त, लेकिन सिंध हुकूमत ने बढ़ के कदम उठाया कि इंटरमीडिएट तक भी मुफ्त कर दिया। कॉलेजेस हैं सरकारी, कोशिश करते हैं कॉलेजेस में असातिज़ा जाएं, कहने को मैं अपनी कॉलेज पे अगर नुक्ताचीनी करूं सो करूं, लेकिन इस वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में परमानेंट वाइस चांसलर नहीं आता, आता है तो कोई 2 महीने के लिए आता है। यूनिवर्सिटी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कहलाती है, यानी इसमें सिंध हुकूमत का अमल दखल नहीं है, लेकिन शायद उनको पता ही नहीं है कि एक सिंध में भी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है कि जिसमें कोई वाइस चांसलर भेजे जो रहे 2-3 साल रहे और कुछ उसको और बेहतर करे, उसको फंडिंग दे कि कुछ और बेहतर करे। नाम बड़ा दर्शन छोटे। अब ये बातें करते हुए ये हुकूमत की बातें सुननी पड़ती है, कभी ताना देना कि जी खाना बहुत खाते हो, ये उस तरह के हो गया जब किसी रानी से किसी ने कहा कि जी आटा बहुत महंगा हो गया है क्या करें, तो उसने कहा जी ब्रेड खा लो। तो आज भी वही हाल है, और हर जुदवाओं पर हर जुबान पर इस हुकूमती के बेबसी के बातें चल रही हैं, नारे लग रहे हैं। अब इसको हम तब्दीली कहोगे या तबाही कहोगे? अब ये तबाही 3 साल से चली जा रही है, अक्सर उठते हैं पिछली हुकूमतों का नाम लेके जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं अरे भाई तुम वजीर आजम, तुम तो खुद कहते हो मुझे अभी तक पता नहीं चला कि क्या होती है हुकूमत, मैं अभी सीख रहा हूं, अगर सीख रहा हूं तो अपनी नाइली का जब एतराफ किया हुआ है तो ऐन से अजाब बन के अवाम के ऊपर मुसलत तो मत रहो, ये अजाब डाला हुआ है हुकूमत का, असर आप पर भी होता है, पढ़ाई पर भी असर होता है, घर का माहौल अगर ठीक नहीं है तो पढ़ाई पर लाजिम असर होता है, और हम इस तरह से जिंदगी गुजारने की कोशिश में है मशरूफ। लेकिन इसमें आपके जोश और जज्बे को देख के आज PSF के लिए भी मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि नहीं भाई, मैं घर में बैठा हुआ था इसलिए जानबूझकर आया हूं कि देखूं ये मदनी रजा, दिखने में तो क्या कहें उसको, क्या कहेंगे, कमजोर हो सकता कंगला तो नहीं कह सकता लेकिन सोच है, ये सोच है जो काम करती है, और इस सोच की वजह से इंसान अपनी जान तक भी दे देता है। आप सबको ये भी सोच लेना चाहिए कि हम, हाँ मैं पीपुल्स पार्टी से हूं और फखरिया तौर पर पीपुल्स पार्टी से हूं, और पीपुल्स पार्टी में एक ऐसी बात है जो शायद किसी और में कम हो या उन्होंने हमसे सीख के शुरू किए, क्योंकि हमारे हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़ेली तंजीमें हैं, यूथ है, PSF है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेबर है, किसान है,
कल्चर है और कौन सी सारी, ये सारी है कि आपको रिप्रेजेंटेशन का मिले, उस रिप्रेजेंटेशन का कदर भी हुआ कि आसिफ खान आज हुकूमत का हिस्सा है। उसने कहा मैं स्पेशल असिस्टेंट हूं, मैं PSF में था। इस तरह के नौजवान, ये सिर्फ आज स्पेशल असिस्टेंट नहीं है पर इनसे कुछ हो गया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, ये मेयर भी बन सकते थे लेकिन कुछ लोगों की इधर उधर भागने से वो नहीं हो सका था। लेकिन हम सब आपकी कदर करते हैं और ये भी हमने कर दिया हुआ है कि PSF एक उम्र तक मुद्देदार बने। हमने ये भी कहा है कि भाई जो पढ़ता हुआ बच्चा हो वो उहदे संभाले, वो संभाले कि सियासत कैसे होती है, कहाँ से शुरू होती है, क्या क्या करना पड़ता है। आप उस पर भी अमल कर रहे हैं, ये भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने सोचा कि यूथ की भी उम्र मुकर्रर कर दी, ऐसा नहीं हो कि 60 साल वाला भी यूथ कहलाए, ठीक है, मैं तो 70 का हूँ। खैर, तो आप सबको ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये मदनी रजा साहब अगर उर्दू यूनिवर्सिटी में ये रंग लगा सकते हैं तो कहीं और भी रंग लग जाएगा। दोस्तियां बढ़ाओ, पार्टी को बढ़ाओ, ओहदेदार बने हो तो सिर्फ ओहदे के लिए नहीं बने हो, हमारा असल काम होता है अपना दायरा वसी करें, दोस्त बनाए, हम ख्याल बनाए हर फील्ड में, और हर फील्ड में हम ख्याल बनाते हुए हम इस पार्टी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने पहले एक खातून को, अपनी बहन को, अपनी बेनदी भुट्टो को इस्लामी दुनिया का पहला वजीर आजम कर सकते हैं तो एक नौजवान को क्यों नहीं कर सकते। बात तो है सोच पैदा करने की, बात है हिम्मत पैदा करने की, बात है अपने आप पे इत्तेहाद करने की, कुव्वत बढ़ाने की, कुव्वत बढ़ाओ और रंग जमाओ, यही कह सकता हूँ। और मदीनता की ज्यादा तारीफ करूंगा जब किसी और यूनिवर्सिटी में ऐसा ही कुछ प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा है कि जी हर कॉलेज में यूनिट बनाऊंगा, अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी में रुकाऊंगा, अच्छी बात है, यही तो हम चाहते थे। इसी वजह से तो आपके साथ दूसरे लोग भी सलाम करने आते हैं क्योंकि आप भी पढ़ रहे हो तो दूसरे भी पढ़ रहे हो। तो दोस्तों आपको फिर से मुबारक, और उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रमित देख के कुछ हौसला हुआ, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। शुक्र है आज किताबें हाथ में हैं, बंदूक संदूक नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये लेदर जैकेट में कुछ ना कुछ छुपा होता था जिसका जिक्र किया आपने, ठीक है। अभी मैं समझता हूँ यहाँ कोई, एक तो गर्मी भी है, शायद लेदर जैकेट पहनने का मौसम नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हम वैसी रिवश कभी नहीं करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान हो बड़े सगीर हो, अपने दिल पे हमने लेके और जीतने हैं दिल, अपने ऊपर मुसीबत बर्दाश्त करके और लोगों के दिलों में घर बसाना होता है। इसका मिसाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दिया जिसने कहा आमराना निजाम